अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी जी के लिए दाल बनानी है ना, मैं बना देती हूँ। तुम जाओ ना, जाकर आराम करो जैसे घर के मेहमान करते हैं। ये काम घर की बहू का है और अब इस घर की बहू यानी कि मैं आ गई हूं, तो अब मेरे घर की जिम्मेदारियां मुझे उठाने दो। अग्नि, चकोरी का कोई फोन आया क्या तुम्हारे पास? नहीं आंटी। कमाल, कब से बाहर गई अभी तक आई नहीं। हे भगवान, इस अग्नि के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मुझे चकोरी वाले नाटक को खत्म करना है। अब मैं क्या करूं? क्या चकोरी सुबह से गायब है? हाँ बेटा, ये आजकल की नौकरानियां भी ना, इनके अजीब ही नखरे हैं। छोटी माँ, वो हमारे घर की जिम्मेदारी थी। अगर वो सुबह से गायब है और उसका फोन नहीं मिल रहा है तो हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, है ना छोटी माँ? बेटा, मैंने सुबह फोन ट्राई किया था लेकिन उसने उठाया नहीं। अब मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ, एक बार ट्राई करो। चकोरी वाला फोन तो ऊपर कमरे में ही है। हे भगवान, क्या करूं, कैसे बचूं इस मुसीबत से? ये फोन तो घर में ही कहीं बज रहा है। कमाल है, ये लड़की घर कब आई? ये आवाज तो ऊपर से आ रही है ना। हाँ, एक बार देखते हैं। खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए इस दिक्कत से बचने का। ये आवाज तो नाहर के कमरे से आ रही है। हाँ। हाँ। छोटी माँ, एक बार ड्रॉयर के पास चेक करिए। मिला क्या छोटी माँ? नहीं बेटा। फोन बजना तो बंद हो गया, एक बार वापस ट्राई करो। हाँ। इनको पता ना चल जाए कि मेरे बैग में फोन बज रहा है। फोन बजना तो बंद हो गया, वापस ट्राई करो। हाँ। नाहर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बंद आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? फोन की आवाज तो इसी कमरे से आ रही थी, फोन यहीं कहीं है। ठीक है, तुम यहाँ देखो, मैं उस साइड देख लेता। हाँ, मैं इधर चेक करती हूँ। मैं भी आती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वहां कोई था? इस फोन को यही कहना देती हूँ।
पता नहीं जोड़े मां फोन कहां बज रहा था। आवाज तो ऊपर से आ रही थी लेकिन फोन तो कमरे में कहीं नहीं दिखा मुझे। नहर, वो रहा फोन। फोन? ये चकोरी का ही फोन है ना? हाँ, ये चकोरी का ही फोन है। पर ये यहाँ कैसे आया? अभी जब हम लोग कमरे में जा रहे थे तब तो ये यहाँ नहीं था। हो सकता है कि यही हो और हमारी नजर ना गई हो। हाँ, हो सकता है छोटी माँ, लेकिन अगर चकोरी का फोन यहाँ है तो वो कहाँ है? अरे कहीं भी हो, हमें उससे क्या? अरे कैसी बात कर रही है दादी? देखिए वो हमारे यहाँ काम करती थी, हमारी जिम्मेदारी थी। वो हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम में हो, हमें पुलिस को बताना चाहिए, है ना छोटी माँ? हाँ बेटा, पुलिस को बताना तो चाहिए, क्या पता घर से कोई सामान चुरा कर भागी हो। सोनी, हाँ तुम जरा अपने जेवर वगैरह देख लेना, इस नौकरानी का कोई भरोसा नहीं। ठीक है माँ जी, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है छोटी माँ, जैसा भी हो आप मुझे बता देना, मैं कल पुलिस स्टेशन जाके उसकी मिसिंग कंप्लेंट डाल दूँ। ठीक है माँ जी, आप चल के आराम करिए। चलिए दादी, आप चलिए आराम कीजिए। चलिए अगर चकोरी के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन हुई तो बात बहुत बढ़ जाएगी। मुझे इस चकोरी के किरदार को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। पर कैसे, क्या करूं? परिवार को रुद्र से बचाना होगा। आज की रात जीत और कृष्णा की आखिरी रात होगी। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। रोहित, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? एक सेकेंड रोहित, ठीक है इट्स ओके। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या कर रही थी तुम रोहित? ये तुम्हारी चुन्नी गद्दे के नीचे कैसे फंस गई? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल? आप पर। नाजी, जो भी मैंने किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे बार बार सॉरी बोलने से मेरा मन नहीं बदलने वाला रोहित। मुझे थोड़ा समय चाहिए। आप भले ही मुझसे अभी भी नाराज हैं नार जी, लेकिन आपकी ये नाराजगी के दिल में मेरे लिए फिक्र कम नहीं कर पाई। और जहां फिक्र होती है प्यार की गुंजाइश भी वहीं होती है। आप देखिएगा, मैं धीरे धीरे आपकी ये नाराजगी प्यार में बदल दूंगी। ये
शायद तो मैं किचन में ही भूल गई, सबके आने से पहले जाकर ले आती हूँ। अग्नि, तुमने मंदिर कितना सुंदर सजाया है। बताओ, घर आने के बाद विरूही पूजा में नहीं आई, क्या छोड़ो। अग्नि, रूही के जाने के बाद इस घर में पूजा तुमने ही की है, और आज तो तुमने इतना सुंदर मंदिर और थाल भी सजाया है, इसलिए आज की पूजा तुम ही करोगे। चलो आओ। जी आंटी। रूही, अग्नि को थाल दो, आज की पूजा वही करेगी। जी। मम्मी जी, मैंने भगवान जी के लिए भोग बनाया है, मैं इसे चढ़ा दूं? रूही बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, अगर तुमने इतनी श्रद्धा से खाटू जी के लिए प्रसाद बनाया है तो तुम चढ़ा सकती हो। जी पापा जी। अग्नि, बेटा दिया जलाओ। जी आंटी। अग्नि, क्या कर रही हो तुम? अग्नि, किसी के मन में अगर मैल हो या बैर हो तो भगवान का दिया उससे नहीं जलता। क्या तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ है तो नहीं ना? ला, मैं चला देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अग्नि के मन का तो पता नहीं रही, पर तुम्हारा मन भी कोई सोने जैसा खरा नहीं है। दिया मैं जलाती हूँ। खाटू जी, आज से मैं उस जंग का आगाज करने जा रही हूँ जिसे लड़ना जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई मेरे अपनों, मेरे रिश्तों, मेरे परिवार के लिए है। मुझे शक्ति दीजिएगा कि मैं अपने परिवार की नाराजगी दूर कर सकूं और अग्नि का सच सबके सामने ला सकूं। सोने। ये रूही घर वापस आ तो गई है, पर नाहर के बारे में सोचकर मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। माँ जी, मेरा मन भी बहुत घबरा रहा है। रूही अपनी मर्जी से इस घर से गई थी और अपनी ही मर्जी से तलाक के पेपर्स भिजवा के खुद वापस भी आ गई। मुझे पता नहीं रूही के मन में क्या चल रहा है। मुझे तो डर है कहीं हमारा नाहर फिर से उन गहरे अंधेरों में ना चला जाए। आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना नाहर के साथ, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। और आंटी, मुझे लगता है कि हमें रूही को एक मौका और देना चाहिए। हो सकता है आंटी उसको अपनी गलती का एहसास हो गया हो, और शादी कोई मजाक थोड़ी है जो ऐसे ही तोड़ दी जाए। नाहर और रूही को एक मौका दे दीजिए ना आंटी,
क्या पता उनका रिश्ता सुधर जाए। अग्नि तुम बहुत समझदार हो बेटा। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं रूही को एक मौका दे देती, लेकिन अगर रूही ने एक और भी गलती की ना, तो मैं रूही को इस घर से और नहार की जिंदगी से खुद बाहर कर दूंगी। अब मैं मम्मी जी को या घर वालों को नाराज होने का एक भी मौका नहीं होने दूंगी। मुझे बहुत ही सतर्कता से एक एक कदम बढ़ाना होगा। ये अननोन नंबर से किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो माँ जी, चकोरी। हाँ चकोरी बोलो। माँ जी कहा है ना कि अब हम काम पर नहीं आ पाएंगे, हमें सास बहुत बीमार हो गई है, तो हम गांव जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे, और तुम तो अपना फोन यहीं छोड़ कर गई हो। माँ जी वो फोन आप किसी गरीब को दान दे दीजिएगा, हम अपने गांव जा रहे हैं। प्रणाम। ये ना कुछ जमीन के कागजात हैं, इन पर साइन करते हैं। कागज दादी, कौन सी जमीन के कागज हैं ये? अरे बेटा तेरे दादू की पुश्तैनी जमीन थी, अब उस पर बहुत सालों से केस चल रहा था, हम वो केस जीत गए हैं, तो इसलिए तेरे दादू चाहते हैं कि ये जमीन तेरे और जूही के नाम कर दे। जूही तो सो रही है, जब उठेगी तो उससे दस्तखत करवा लूंगी। तू तो काम के लिए जा रहा है ना ऑफिस, तो जाने से पहले साइन कर दे। दादी मैं ना शाम को वापस आके करता हूँ, ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। अरे भाई कितना लेट हो जाएगा, तो 5 मिनट लगने हैं ना पिंकू साइन करने में। जरूरी कागज है, तेरे साइन चाहिए भाई, साइन कर। दीजिए। क्या हुआ भाभी, आप मुझे देख के ऐसे चौक क्यों गए? अब कुछ नहीं अपनी दीदी, वो आप ऐसे अचानक से आ गई ना, तो इसलिए। ठीक है मैं आती। क्या हुआ, क्या कह रही है? माँ जी ये चकोरी भी अजीब है, अचानक से गांव चली गई और अपनी तनख्वाह भी नहीं ली। सोनी पहले तुम देखो कहीं कुछ चुराया तो नहीं, कुछ गायब तो नहीं है? नहीं नहीं माँ जी सब ठीक है, मैंने खुद चेक किया है, कुछ गायब नहीं है। चलो अच्छा हुआ पीछा छूटा। चकोरी का अचानक से जाना और रूही का अचानक से आना, कहीं इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन तो नहीं है? नहार जी आपकी कॉफी। मुझे नहीं चाहिए, मैं ऑफिस में पी लूंगा। नहार जी अब मैंने बना दी है, ये वेस्ट हो जाएगी, ले लीजिए ना। इसलिए बनाने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए था कि मुझे कॉफी चाहिए कि नहीं। अच्छा मैं कल से पूछ लूंगी, पर अभी आप ये पी लीजिए प्लीज। लीजिए काफी पीजिए और आराम कीजिए, आपका मन एकदम तरोताजा हो जाएगा। चकोरी की बनाई कॉफी और रूही की कॉफी का टेस्ट एक जैसा कैसे है? क्या बना जी अच्छी नहीं बनी? थोड़ी कड़वी है, पर मैंने तो बिल्कुल पहले जैसे ही बनाई है। हो सकता है मेरा टेस्ट बदल गया हो। वो क्या है ना, तुम इतने दिनों से घर से गायब थी, यहाँ पे बहुत कुछ बदल गया है।
आर्ची, क्या हमारा रिश्ता भी बदल गया? पूरी तरह से नहीं रोए, लेकिन हाँ थोड़े बदलाव तो इसमें भी आए हैं। विश्वास की नींव थोड़ी कमजोर हो चुकी है रूही। सब कुछ ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। कितना भी वक्त लगे ना आज, पर मैं हमारे रिश्ते को पहले की तरह करने की कोशिश नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी बदले ना जी, पर मैं हमारे रिश्ते की दोस्ती नहीं बदलने दूंगी।